हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ वी कैन आइट्रेट ओवर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ आर डेटा फ्रेम ओके तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइट्रेशन क्या है आइटेशन क्या होता है आइटेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस जब एक ही प्रोसेस बार बार होता है उसको हम आइट्रेशन कहते हैं ओके तो आइटेशन का यूज क्या होता है आइटेशन इज यूज फॉर हम डेटा आएटम right? तो फ्रेम में आल्ट्रेशन का यूज करेंगे किस लिए वन बाय वन रोज को एक्सेस करने के लिए एंड वन बाय वन कॉलम को एक्सेस करने के लिए राइट ओके टू रिपीटेडली एक्सेस डेटा ओके okay, डेटा को रिपीटेडली एक्सेस करने के लिए रो वाइज या कॉलम वाइज राइट फ्रॉम डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम से रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करने के लिए पांडास ने हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स फाइन नो फर्स्ट वी हैव आइटर रोज द रोज फंक्शन ऑफ पांडास हेल्प यू टू लूप और आइट्रेट थ्रू ईच रो रो ऑफ आ डेटा फ्रेम आइटर रोज फंक्शन आपकी क्या हेल्प करता है कि आप आइट्रेट करो मतलब आप उसके ऊपर उसको मीन्स एक्सेस कर सकते हो ठीक है आइट्रेशन मीन्स यू कैन एक्सेस ईच रो ऑफ द डेटा फ्रेम वन बाय वन राइट फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करोगे फर्स्ट रो को एक्सेस कर लोगे सेकेंड आइट्रेशन में आप सेकेंड रो को एक्सेस करोगे लाइक दिस ओके इट रिटर्न हॉर्जोनटल सबसेट फ्रॉम अ डेटा और ये क्या करता है फर्स्ट आइट्रेशन में आपको फर्स्ट एक ग्रुप मिल जाएगा किसका ग्रुप मिल जाएगा आपको इंडेक्स का एंड वैल्यूज का ओके okay, इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल सबसेट राइट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स एंड डेटा इन ईच रो एज अ सीरीज और ये पर्टिकुलर आपको फर्स्ट आइट्रेशन में जो फर्स्ट आपने आइट्रेशन किया उसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल सबसेट मिला उसमें क्या क्या है रो uh, इंडेक्स है और रो डेटा है और ये किस फॉर्म में मिलता है आपको सीरीज की फॉर्म में मिलता है ओके तो यहाँ पे हमारा आइटर रोज का क्या फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ आइटर रोज फंक्शन वी कैन आइट्रेट ओवर द रोज ऑफ द डेटा फ्रेम वन बाय वन हम आइट्रेट करेंगे ठीक है मतलब उसको आइटरेट का मतलब है आप इसको एक्सेस करो करोगे ठीक है वन बाय वन और उसके बाद लेटर ऑन आपको जो प्रोसेसिंग करनी है आप डेटा पे कर सकते हो ओके ओके okay, अब यहाँ पे हम आइटर रोज फंक्शन को किसकी हेल्प से समझेंगे प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है इंपोर्ट पांडास एस पी हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया ओके देन वी क्रिएटेड द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ओके हमने क्या किया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट किया यहाँ पे हमारा लिस्ट वेरिएबल uh, है ओके जिसमें वैल्यूज किस फॉर्म में है वैल्यूज डिक्शनरी की फॉर्म में है देखो यहाँ पे वी हैव थ्री डिक्शनरीज यहाँ पे तीन डिक्शनरी है ओके okay. एंड जो दो तो तीन डिक्शनरीज हमारे पास हैं उसमें क्या है दो दो की एंड वैल्यू पेयर है यहाँ पे देखो नेम की है वैल्यू नेम है दीप्ति ओके एंड सर नेम की है एंड शर्मा क्या है उसकी वैल्यू ओके समझ आया तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया हमने यहाँ पे क्रिएट किया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज फाइन हमने पहले भी ये देखा था कि हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं तो इसका यूज हमने यहाँ पे किया है ओके okay? अब हमने क्या किया अब हमें क्या करना है इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हमको क्रिएट करना है डेटा फ्रेम फाइन तो आपने उसके लिए क्या किया पांडास पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज किया और जो आपने लिस्ट क्रिएट की थी उसको आपने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया राइट right? अब डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में ओके okay? और वो डेटा फ्रेम कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा डी एफ वन वेरिएबल में फाइन आपने फिर क्या किया डीएफ वन वेरिएबल को प्रिंट करा दिया तो ये देखो ये हमारा जो फर्स्ट प्रिंट कमांड का रिजल्ट uh, है वो आ गया आपके पास क्या आ गया डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ गया ठीक है इसमें देखो दो कॉलम्स हैं नेम एंड सर नेम ओके एंड वी हैव थ्री रोज तीन रोज हैं इसके अंदर ओके हैविंग द इंडेक्स जीरो वन एंड टू अब हमें क्या करना है हमने क्या किया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया अब हम लोगों को आइटर रोज फंक्शन का यूज करके वन बाय वन इसकी रोज को एक्सेस करना है फाइन तो देखो आइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं आइट्रेशन को लूप लूपिंग भी कहा जाता है ठीक है उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया फोर लूप का यूज किया और यहाँ पे लूप वेरिएबल्स लिए हैं रो इंडेक्स एंड रो फाइन तो लूप वेरिएबल क्या करेंगे द लूप वेरिएबल इज असाइंड द फर्स्ट वैल्यू इन द डेटा फ्रेम तो यहां पे हमने दो लूप वेरिएबल लिए रो इंडेक्स एंड रो तो जी वो क्या करेंगे जो डेटा फ्रेम के अंदर ठीक है डेटा फ्रेम के अंदर जो फर्स्ट रो है उसका रो इंडेक्स कहा जाके स्टोर होगा रो इंडेक्स वेरिएबल के अंदर और जो वैल्यूज हैं ओके okay, वो कहाँ जाके स्टोर होंगी वो रो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होंगी ये इसको एक्सेस करेगा तो रो इंडेक्स इंडेक्स को एक्सेस करेगा फर्स्ट रो की और रो क्या करेगा वैल्यूज को एक्सेस करेगा फर्स्ट रो की इन डी एफ डॉट आइटर रोज तो आइटर रोज फंक्शन क्या करेगा आइट्रेशन में हेल्प करेगा वन बाय वन राइट ओके okay, समझ आया यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज किया है फोर लूप के अंदर हमने टू लूप वेरिएबल्स लिए हैं रो इंडेक्स एंड रो ओके तो ये क्या करते हैं जो लूप वेरिएबल होते हैं वो वन बाय वन जो भी सिक्वेंस है उसके अंदर से क्या करते हैं वैल्यूज को एक्सेस करते हैं वैल्यूज को एक्सेस करते हैं ओके okay, उसके बाद जो उसकी बॉडी में स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है फाइन ओके okay, फाइन अब इतना देखो तो यहाँ पे रो इंडेक्स एंड रो क्या करेंगे जब फर्स्ट टाइम लूपिंग करेंगे या आई करेंगे या तो आ, आ, तो डेटा फ्रेम के अंदर से ठीक है डी एफ वन के अंदर से क्या करेंगे फर्स्ट रो इंडेक्स मीन इंडेक्स जीरो एंड जो उसकी वैल्यूज है उसको एक्सेस करेंगे अब हमने जो लूप की बॉडी है उसमें क्या डाल दिया प्रिंट करा दिया रो इंडेक्स को ठीक है रो इंडेक्स तो यहाँ पेटेशन में क्या हुआ हुआ आपका जीरो आ आ गया गया फिर हमने uh, print कराया, print, uh, containing values, तो तो पे लिखा उसके बाद आपने print करा दिया row. तो जो data frame की फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी ठीक है अब डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो में देखो कॉलम uh, uh, जो नेम है कॉलम का जो इंडेक्स है या, या आप कह सकते हो लेबल है या नेम है वो आ गया नेम ठीक है उसकी वैल्यू आ गई दीप्ति ओके सरनेम एंड वैल्यू शर्मा फाइन ओके ऐसे क्या हुआ हमारा जो डेटा फ्रेम था उसकी फर्स्ट रो हमने क्या कर दी आइटर रोस फंक्शन की हेल्प से हमने उसको एक्सेस कर लिया ठीक है ओके अब फर्स्ट जो आइट्रेशन है वो खत्म हो गया अब क्या होगा लूप इंडेक्स एंड रो जो दो वेरिएबल है वो क्या करेंगे डेटा फ्रेम की नेक्स्ट रो ओ, 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 की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे फाइन अब आइटर रोज फंक्शन क्या करेगा फर्स्ट आइटेशन कर, कर चुका अब सेकेंड रो पे चला जाएगा ठीक है सेकेंड रो पे चला गया तो रो इंडेक्स एंड रो अब क्या करेंगे रो 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 का इंडेक्स एंड की जो वैल्यूज है है उनको एक्सेस करेंगे ठीक तो अब देखो फिर हमने उनको प्रिंट कराया तो अब देखो इसने इंडेक्स प्रिंट किया है क्योंकि वो सेकेंड रो पे चले गए हैं और वैल्यूज उसने प्रिंट की है पूजा एंड uh, सर नेम अरोड़ा तो यहां पे उसने उसनेम रो की वैल्यू और देखो ये किस फॉर्म में आ रही है सीरीज फॉर्म में आपको ये रिजल्ट आ रहा है ओके अंडरस्टूड ओके नाउ नेक्स्ट फिर नेक्स्ट आइटेशन होगा नेक्स्ट आइटेशन होगा तो ये जो आइटर रोज फंक्शन है वो कहाँ ले जाएगा थर्ड रो को पर ले जाएगा अब रो इंडेक्स एंड रो क्या करेंगे थर्ड रो की इंडेक्स वैल्यू और थर्ड रो के आइटम्स को एक्सेस करेंगे फिर हमने उनको क्या किया प्रिंट करा दिया देखो अब यहाँ पे जो आपकी थर्ड रो है उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई ओके okay, एंड उसकी वैल्यूज आ गई ओके इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपने आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से डेटा फ्रेम की रोज को आइट्रेट किया और उनकी वैल्यूज को एक्सेस किया वन बाय वन अंडरस्टूड ओके ओके नाउ वी हैव आइटर आइटम्स राइट right? इससे पहले हमने आइटर रोज किया था आइटर रोज से हमने वन बाय वन रोज को एक्सेस किया था अब हम क्या करेंगे आइटर आइटम्स की हेल्प से डेटा फ्रेम के कॉलम्स को वन बाय वन एक्सेस करेंगे राइट right? द आइटर आइटम्स फंक्शन ऑफ पांडास हेल्प यू टू लूप और आईट्रेट थ्रू ईच कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम ये हमारी क्या हेल्प करेगा ये हमारी हेल्प करेगा डेटा फ्रेम के ईच कॉलम को आइट्रेट करने के लिए उसको एक्सेस करने के लिए वन बाय वन हम वहां पे पहुंचेंगे और उसको एक्सेस करेंगे ठीक है रिटर्न द वर्टिकल सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम ठीक है अब हमें क्या मिलेंगे वर्टिकल सबसेट मिलेंगे पहले हमें आइटर रोज से क्या मिले थे हॉर्जोंटल सबसेट मिले थे और हमें आइटर आइटम से क्या मिलते हैं वर्टिकल सबसेट ओके okay, मिलते हैं ठीक है इट रिटर्न वर्टिकल सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इन कॉलम इंडेक्स एंड किस फॉर्म में हमें रिजल्ट देगा आ, आपको मिलेगा आपके कॉलम का इंडेक्स या कॉलम नेम भी कह सकते हो और कॉलम का डेटा किस फॉर्म में सीरीज की फॉर्म में ओके सो so, यहां पे हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे ओके okay. सबसे पहले हम क्या करेंगे इंपोर्ट पांडास एस पीडी हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमें उसके फंक्शंस चाहिए ठीक है उसके फंक्शंस की हेल्प से ही हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं राइट अब हमने क्या मेथड यूज़ किया है हमने क्या किया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज लिया है एक लिस्ट आपने वेरिएबल लिया है ठीक है जिसके अंदर आपने वैल्यूज किस फॉर्म में पास किए आपने डिक्शनरी के फॉर्म में पास की है फाइन तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है जिसकी वैल्यूज किस फॉर्म में है डिक्शनरी की डिक्शनरीज की फॉर्म में है तो आप इसको कहेंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ठीक है अब हमें क्या करना है इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में उसके लिए आप क्या करोगे पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करोगे ओके एंड लिस्ट को आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में ओके अब डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में ओके और वो डेटा फ्रेम कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा डी एफ टू वेरिएबल में Fine. फिर आपने क्या किया प्रिंट करा दिया DF2 variable को तो ये हमारा DF2 variable की help से हमारा की से हो गया okay. अब हमें एक्सेस करना है, है. आइटर रोज से हमने क्या uh, horizontal subsets को, uh, access किया था हॉर्जोंटल था हॉर्जोंटल रोज को एक्सेस किया था अब हम क्या एक्सेस करेंगे अब हम एक्सेस करेंगे कॉलम्स को फाइन तो आप जब हम हम लोगों को आइट्रेशन करना होता है लूपिंग करनी होती तो है तो हम वेरिएबल्स वो सॉरी लूप्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने फोर लूप का फोर uh, लूप का यूज किया है ओके okay? और इस फोर लूप में हमने दो लूप वेरिएबल लिए हैं कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू ओके तो कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू क्या करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर डेटा uh, फ्रेम के कॉलम्स एंड कॉलम वैल्यूज को क्या करेंगे एक्सेस करेंगे वन बाय वन ओके okay, अब आइटर आइटम्स का क्या फंक्शन है ये आइट्रेशन करेगा ये पहले फर्स्ट कॉलम पे जाएगा फिर ये सेकंड कॉलम पे जाएगा फाइन तो सबसे पहले क्या होगा जो कॉलम नेम है एंड कॉलम वैल्यूज़ हैं ओके okay, वो डेटा फ्रेम के फर्स्ट कॉलम पर जाएंगे तो यहाँ से कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे राइट right?

कॉलम के नेम को और यू कैन से इंडेक्स को एक्सेस करेगा तो यहाँ पे उसने इंडेक्स को एक्सेस करके डिस्प्ले करा दिया ठीक है और कॉलम वैल्यू जो कॉल वैल्यू वेरिएबल है वो किसको एक्सेस करेगा वो डेटा फ्रेम के कॉलम के वैल्यूज को एक्सेस करेगा ठीक है तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई माय फर्स्ट आइट्रेशन में आपका ये रिजल्ट आया ओके okay. अब क्या होगा जो आइटर आइटम फंक्शन है वो सेकंड आइट्रेशन करेगा सेकंड कॉलम पे चला जाएगा ठीक है वो कहाँ चला जाएगा सेकंड कॉलम पे चला जाएगा तो अब क्या करेंगे जो लूप वेरिएबल है कॉल कॉल नेम एंड कॉल वैल्यू वो क्या करेंगे सेकंड कॉलम के कॉलम uh, नेम को और कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया इनको फिर से आप सेकेंड आइट्रेशन होगा सेकेंड कॉलम पे जाएंगे अगेन लूप uh, की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी ठीक है जब तक कि सारे के सारे कॉलम एक्सेस uh, नहीं हो जाते हैं आइट्रेट नहीं हो जाए हो जाते तब तक तो क्या होता है वेरिएबल आपका लूपिंग चलती है आपका आइट्रेशन चलता है वन बाय वन ठीक है ये तो आप, आपको पता है या? क्योंकि आपने इलेवेंथ में भी किया है फोर लूप वाइव लूप ओके तो आइट लूपिंग कहाँ तक चलती है जब तक कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होता है कंप्लीट नहीं हो जाता फाइन तो यहाँ पे वो कब तक चलेगा जब तक कि आपने कंप्लीट ऑल द रोज को एक्सेस नहीं कर लिया ठीक है आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से या फिर आपने आइटर आइटम्स की फंक, फंक्शन की हेल्प से सारे कॉलम्स को एक्सेस नहीं कर लिया ठीक है तो यहाँ पे आपका सेकंड टाइम जब आइट्रेशन हुआ तो क्या हुआ सेकंड जो आपका कॉलम था वो एक्सेस किया आपने ठीक है तो यहाँ पे देखो सरनेम आपने इसको प्रिंट करा दिया कॉलम नेम इज कॉल नेम सर, आपका सरनेम आ गया और फिर आपका वैल्यूज आ गई फाइन अंडरस्टूड तो यहाँ पे आपने क्या किया फोर लूप का यूज किया फिर से मैं एक बार बताई थी फोर लूप का यूज किया फोर लूप के अंदर आपने दो लूप वेरिएबल्स लिए कॉल नेम एंड कॉल वैल्यू ठीक है तो वो क्या करेंगे डेटा फ्रेम के कॉलम्स की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे तो कॉल नेम क्या कर रहा है डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स वो एक्सेस कर रहा है उसमें कॉलम का इंडेक्स वो एक्सेस करेगा और कॉल वैल्यू क्या करेगा उसकी वैल्यूज को एक्सेस करेगा ओके okay? और जो आइट्रेशन हो रहा है कि एक पहले फर्स्ट कॉलम पे गए फिर सेकेंड कॉलम पे गए फिर थर्ड कॉलम पे गए एंड सो ऑन वो किसकी हेल्प से हो रहा है वो आइटर आइटम्स फंक्शन की हेल्प से हो रहा है ओके okay? तो वैल्यूज एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया उसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करा दिया ओके okay? तो ये क्या है आइट्रेशन फंक्शन है ओके okay? okay children now we will meet in next video of data handling using pandas in hindi uh, till then keep studying be safe be happy and subscribe my channel for more useful videos